आप देख रहे हैं संजीव कुल चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा पीएफ में आप नॉमिनी का नाम कैसे नया तरीका से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पहले का कुछ तरीका अलग था जिसमें आपको नॉमिनी का एड्रेस भी डालना था पड़ता था, उसका बैंक अकाउंट नंबर भी आपको डालना पड़ता था, आईएफएससी कोड ये सब डालना पड़ता था। लेकिन अब नया तरीका आया है जिसमें वो सब आपको नहीं डालना पड़ेगा, सिर्फ नॉमिनी का आधार नंबर चाहिए, नाम चाहिए, उससे क्या रिलेशन है, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, यही सब चाहिए, उसका फोटो चाहिए, वो भी 100 KB से नीचे का फोटो होना चाहिए। तो आपको मैं नया तरीका मैं बताने वाला हूँ कैसे होता है। उसके अंदर आपको पहले अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ता है। तो आप पहले पीएम में नॉमिनी का नाम जुड़ा है कि नहीं वह चेक कर लीजिएगा। चेक भी करने का मैं वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसके बाद में आप प्रोफाइल कैसे अपना फोटो लगा सकते हैं वो भी वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसके बाद में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहे वैवाहिक स्थिति मटेरियल स्टेटस ये सब भी आपका नहीं अगर जुड़ा होगा तो वो सब भी कैसे ऐड किया जाता है वो सब भी मैं बता दूंगा। उसके बाद में आपका एड्रेस भी अगर सेव नहीं होगा तो एड्रेस भी सेव करने का भी मैं तरीका बता दूंगा। उसके बाद में सब आप कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद में मैं आपको पीएफ का नया तरीका से जो नॉमिनी जोड़ता है वो कैसे जोड़ा जाता है उसके बाद में ई साइन करके भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है। तो देरी नहीं करते हुए सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम बड़ा जड़ को ढूंढ लेना है, क्योंकि हर किसी के मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होता है क्योंकि ये सिस्टम ऐप्स है। तो क्रोम ब्राउजर देखिए मैं अपना ढूंढ लिया, उसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए जो नेक्स्ट पेज खुलेगा सर्च बार पर आपको क्लिक करना है। सर्च बार पर जैसे क्लिक करिएगा ऊपर में आपको लिखना है ईपीएफ, इतना ही लिख करके आपको सर्च कर देना है जहाँ से आपका होता है। ऊपर में देखिए आ गया है और नीचे भी है, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आप सर्च करिएगा उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो देख लीजिए यहाँ पर एम्प्लाई प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन अभी लिखा हुआ, कभी ये लोकेशन के लिए कह रहा है तो इसको ओके कर दीजिएगा। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर एम्प्लाई प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, अभी कभी कभी ईपीएफओ लिखा रहता है, कभी कभी एम्प्लाई प्राइवेट फंड सिर्फ लिखा रहता है, कभी कभी मेंबर हो मन लिखा रहता है, कभी कभी यूनिफाइड पोर्टल लिखा रहता है, कभी कुछ लिखा रहता है। तो आपको ऊपर वाला ये जो लिंक है www.epfoindiagov.in वो आपको देख लेना, उस पर आपको क्लिक कर देना, नहीं तो इसका होम पेज जो होगा होम पेज का मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट होम पेज पे चले जाइए। तो उस पर क्लिक करिएगा, जैसे ही आप क्लिक करिएगा उसके बाद देखिए तो इसको थोड़ा जूम कर लेना है। उसके बाद में देखिए बहुत सारा ऑप्शन रहता है, अभी ये पूरी तरीके से ना खुला है, मैं आपको जल्दी के लिए बता रहा हूँ। केवाईसी अपडेशन मेंबर जो लिखा है उस पर आपको क्लिक कर देना है, उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो यही रहा पीएफ का होम पेज, इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाइएगा। उसके बाद में देखिए ये डेस्कटॉप साइड में नहीं है तो ऊपर 3 डॉट रहेगा, कभी कभी वहाँ पर रेड रहता है, देखिए मेरे में रेड है, तो वहाँ पर धीरे से आप क्लिक करिएगा। उसके बाद नीचे में आप देखिए डेस्कटॉप साइड लिखा हुआ बॉक्स के निशान है, उस पर टिक कर देना है। तो उसके बाद देखिए आपका डेस्कटॉप साइड में हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ा जूम कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे यूएनए नंबर लिखना है और नीचे वाले में पासवर्ड लिखना है, उसके बाद साइन इन कर देना है। तो देखिए मैं सब कुछ लिख दिया, उसके बाद में साइन इन कर देना है। साइन इन जैसे ही आप करिएगा उसके बाद देखिए ये सेव करने के लिए भी ऑप्शन आता है, तो इसको आप सेव कर भी सकते हैं, निर्भर करके हटा सकते हैं या ऊपर क्रॉस है क्रॉस करके हटा सकते हैं। तो सेव करने से आपको यही ये फायदा होगा कि अगले बार आपको नहीं डालना पड़ेगा, तो आप सेव ही कर दीजिएगा तो ठीक रहे, क्योंकि अब अगर उस बॉक्स पर जो था उस पर अगर आप की करिएगा तो आपका यूनियन नंबर और पासवर्ड आ जाए, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आज उसमें सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद डायरेक्ट आप साइन इन कर सकते हैं। तो इसको देखिए मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद ये नॉमिनेशन नॉमिनी का नाम ऐड करने के लिए अलर्ट आ रहा है, तो क्या है इसको पढ़ लीजिएगा, अलर्ट है नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए। अभी मतलब वही चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, जल्दी जोड़ लीजिए, वही सब लिखा हुआ है। उसके बाद फिल नाउ पर आपको क्लिक कर देना है, फिल
उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर सब कुछ आपका लिखा हुआ है, एक रेट में रहता है तो उसको रहने दीजिए। उसके बाद नीचे सबमिट है वेरीफाई जो लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा। सबसे ऊपर आपको इसका बटन दिखाई देगा तो वहाँ पर आप देख करके उस बॉक्स पर इस पर ट्रिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा तो नामने का सारा डिटेल आपको देना पड़ता है, आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जो है उससे आपका क्या रिलेशन, उसका बाद में उसका एड्रेस उड्रेस लिखना पड़ता है। आपका जो होगा वही आ जाएगा बॉक्स पर, ट्रिक करिएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसका आधार नंबर नामने का आप उसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद में सेकंड वाले कॉलम में है उसका नाम लिख दीजिएगा। आपका स्मॉल में लिखेगा ऑटोमेटिक वो कैपिटल में हो जाता है। उसके बाद में उसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है आपको, उसका पहले ईयर सेलेक्ट करना, सारा ईयर आ जाता है जो भी ईयर होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए मेरा जो भी ईयर है मैं सिलेक्ट कर ले। उसके बाद मंथ सिलेक्ट करना है, महीना, सारा महीना आता है वो सिलेक्ट कर लेना, उसका सारा डेट आता है वो सिलेक्ट कर लेना। तो देखिए उसके बाद में उसका जेंडर सिलेक्ट करने का है तो उसका जो भी जेंडर होगा मेल फीमेल वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नामने के साथ आपका क्या रिलेशन है वो सिलेक्ट करना आता है, जो भी रिलेशन होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में उसका एड्रेस लिखना पड़ता है तो आप उसका एड्रेस आपका सेम है तो बॉक्स पर ट्रिक कर दीजिएगा तो वो एड्रेस इस बॉक्स में आ जाता है आपका जो एड्रेस होगा। उसके बाद फोटो अपलोड करना आता है, फोटो पर क्लिक करिएगा। उसके बाद में देख लीजिए नेक्स्ट पेज खुलेगा तो वही सब बताएगा, जेपीजी फॉर्मेट में होना, 100 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद एक क्लीन फोटो होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड रेड या ग्रे होना चाहिए, सब सही है तो चूज पर आपको क्लिक कर देना है। चूज पर क्लिक ना है पहली बार का अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद में देख लीजिए आपका फाइल आ जाएगा, फाइल में आपका जहाँ भी फोटो होगा तो वहाँ से आप ढूंढ करके उस फोटो को आप चूज कर लीजिएगा। तो मैंने देखिए चूज कर लिया, फोटो पर क्लिक किया। उसके बाद में फोटो आपको अगर सही नहीं लगता तो उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए आगे पीछे करके उसके बाद में नीचे प्रीव्यू लिखा हुआ उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे भी एक फ़ोटो आ गया, को सेव फोटो पर क्लिक करना है। सेव फोटो पर जैसे ही कर यहाँ ओके कर दीजिएगा, उसके बाद फिर ओके कर दीजिए। बाद अगर दूसरा नाम जोड़ना चाहते हैं एड्रा पर क्लिक करिएगा, नहीं तो सब कुछ देख लीजिएगा। आप सक्सेसफुल फोटो ऑटो एड्रेस सब अपलोड हो चुका, उसके बाद इस बॉक्स पर आपको ट्रिक कर देना है। उसके बाद में थोड़ा स्क्रॉल के बगल में आना है और सेव फैमिली डिटेल पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा उसके बाद में देखिए कुछ समय लोडिंग लेगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा तो वहाँ पर ऊपर में देख लीजिए हरे कलर में वहाँ लिखती है सक्सेसफुल आपका हो गया, मतलब अपलोड सब कुछ हो चुका है। उसके बाद में आपका नीचे भी सब कुछ आ चुका है वो सही है तो वहाँ एक बॉक्सा दिखाई, वो बॉक्स पर ट्रिक कर दीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके आप साइड में आइएगा, वहाँ पर आप नामने को कितना परसेंट देना चाहते हैं, 100 तो 100, 50 तो 50 लिख देना। वहाँ पर 0 लिखा हुआ उसको कट करके जितना लिखना है, 100 तो 100, 50 तो 50, तो एक है तो 100 लिख दीजिएगा। उसके बाद सेट फैमिली डिटेल नीचे लिखा है उस पर आपको की कर देना है। उस पर जैसे की करे कुछ समय लोडिंग लेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा तो अभी कुछ थोड़ा देर लोडिंग ले लेता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज खुल गया तो आपका यहाँ पर ऊपर में लिख दिया है सक्सेसफुल आपका हो चुका है। उसके बाद में आप उसको व्यू करके देख भी सकते हैं तो व्यू पर ट्रिक किए तो अभी देखिए व्यू नहीं हो रहा है ये लिख देता है। उसके बाद फीडबैक कर देना है, उसके बाद में फिर उसी पेज पे आ जाएगा। उसके बाद कुछ गलती है तो एडिट भी कर सकते हैं तो आपका सब सही था इसलिए आगे बढ़े। उसके बाद साइन इन करना है तो देखिए ये वाला पॉपअप आ जाते, मतलब अभी सर्वर डाउन चल रहा है थोड़ा देर प्रोसेसिंग ला, तो मैंने 2-3 मिनट तक वेट किया था, नहीं होता है तो बाद उसके बाद में आपको साइन करने के लिए एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है मोजिला फायरफॉक्स। वो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आगे सबसे पहले अपने मोबाइल में मोजिला फायरफॉक्स को ढूंढ लेना है तो देखिए मेरा ये रहा तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। ओपन जैसे ही करूँगा उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा तो यहाँ सर्च बार पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में सर्च बार में वही लिखना है ई पी
FO इतना ही लिख करके सर्च कर देना है। ये ऊपर में भी आ जाता है EPFO लॉगिन, और उसके बाद में ये नीचे साइड में भी से जहाँ से आपका सर्च होता है वहाँ से आप कर दीजिएगा। उसके बाद में देखिए ये नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो उसके बाद में वही एम्प्लॉय प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन चाहे www.epfoindia.gov.in ये मेन रहता है। तो आपको इस वाले साइट को देख लेना है, ऊपर में जो भी लिख रहा है एम्प्लॉय प्राइवेट फंड रहेगा, चाहे मेंबर होम रहेगा, चाहे कुछ भी रहेगा, चाहे यूने पोर्टल रहेगा, चाहे यूने रहेगा, जो भी रहेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो कभी कभी ये साइट अगर नहीं खुलता है तो बैक कर करके फिर नीचे मेंबर होम जो लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में देखिए इस पेज पर आप आ जाइएगा। इस पेज पे जैसे ही आइएगा तो देख लीजिए आपका डेस्कटॉप मोड में नहीं है, तो इसका डेस्कटॉप सेट करने के लिए आपको नीचे में 3 डॉट दिखाई देगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा उसके बाद में देख लीजिए वहाँ पर मैं क्लिक किया, उसके बाद देखिए इसका डेस्कटॉप सेट नीचे तरफ लिखा आता है, तो इसको ये ऑफ है तो इसको ऑन कर देना है। तो देखिए ऑन कर दिए तो उसके बाद में आपका डेस्कटॉप साइड में हो जाएगा। उसके बाद में देखिए डेस्कटॉप साइड हो गया, तो वहाँ पर अपना यूएनए नंबर और पासवर्ड डाल देना है, उसके बाद साइन इन कर देना है। साइन इन जैसे ही करिएगा नेक्स्ट पर ये अलर्ट खुलेगा, तो यहीं पर थोड़ा जूम करके वहाँ ऐड राव जो लिखा हुआ उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो आपने कब उसका नाम जोड़ा था नामनी का, उसके बाद में व्यू करके दिख रिटेंट करके कोई चेंज भी करना चाहते कर सकते हैं। उसके बाद में ई साइन लिखा हुआ है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना। वहाँ पे जैसे क्लिक कर कुछ देर समय ये प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद में ये पेज खुल जाएगा हस्ताक्षर का। अगर आपका वर्चुअल आईडी मांगता है तो आपके आधार कार्ड के नीचे वर्चुअल आईडी रहता है वो देख करके आप वेरीफाई करिए, उसके बाद ये पेज खुलता है। कभी कभी यही पेज खुलता है, तो जूम कर लेना है। उसके बाद में वहाँ पर एक बॉक्स है उस पर ट्रिक कर देना है, उसके बाद ये पेज खुलेगा, तो इसको थोड़ा जूम कर लेना है। उसके बाद में वहाँ पर पहले से अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको कट कर दीजिएगा। उसके बाद में वहाँ पर ऊपर में आपको वहाँ पे आधार नंबर अपना लिख देना है। आधार नंबर आप अपना देख करके वहाँ पे लिख दीजिए, उसको आई के निशान पर ट्रिक करके आप देख भी सकते हैं। उसके बाद में नीचे है सेंड ओटीपी, तो सेंड ओटीपी पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा उसके बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आ गया। ये देखिए पूरा पेज खुल गया, तो आपका रजिस्टर मोबाइल अगर इसी मोबाइल में होगा तो इसी पर आएगा, किसी अदर मोबाइल में होगा तो अदर मोबाइल पर आएगा, तो उसमें जो 6 डिजिट का OTP रहेगा वो देख करके सही सही यहाँ पे लिख देना है आपको। उसके बाद में अब अगर OTP डालने के लिए कहते हैं तो आपके मोबाइल का लिंक उंक भी आ जाता है, तो उस कहीं पर क्लिक करके उसको हटा दीजिएगा। उसके बाद उस वक्स में OTP डाल दीजिएगा, उसके बाद नीचे एक छोटा सा वक्स है उसको ट्रिक कर दीजिएगा, 1 ट्रिक है तो उसको ट्रिक कर दीजिएगा। उसके बाद में वो हर जगह लिखावट वाला नीचे सबमिट है तो सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सेव करने के लिए सेव कर दीजिएगा, अपडेट करने के लिए अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद में देख लीजिए नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो नेक्स्ट पेज खुलेगा कुछ समय लग रहा है, देख लीजिए नेक्स्ट पेज खुला तो आपका मतलब आती नॉमिनेशन सक्सेसफुल हो चुका है। वहाँ पर लिख भी देता है ऊपर में, आप पढ़ के देख भी सकते हैं। उसके बाद में उसको थोड़ा जूम कर दीजिएगा, जूम करने के बाद ऊपर जो मैनेज होगा मैनेज पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा, तो वहाँ पर ई नॉमिनेशन जो है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा, कुछ समय लगता है, तो देखिए नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, देख लीजिए नेक्स्ट पेज खुला, तो उसको थोड़ा जूम कर लीजिए। उसके बाद देखिए वहाँ पर भी आपका नामनी का नाम जो सक्सेसफुल लिखा है वो लिखा है दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है वहाँ पर सक्सेसफुल आपका हो चुका है। उसके बाद अगर दूसरा नामनी आप ऐड करना चाहते हैं या तो दूसरा जोड़ करने ऊपर में क्लिक करिएगा, उसके बाद में फिर वही पेज खुलेगा, उसके जो आप प्रोफाइल कंप्लीट किए थे वही दिखाएगा।
तो आपका यही पेज खुल गया। फिर उसके बाद में अगर आपका सब कुछ लिंक है तो वहाँ पर सब कुछ दिखा देगा, उसको थोड़ा जूम करके देख लीजिए। वो नीचे में आपका सबमिट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा उसके बाद जाएगा नेक्स्ट पेज पर, तो देख लीजिए कुछ समय ले रहा, नेक्स्ट पेज पर चला गया। उसके बाद में फिर वही है, फिर वहाँ पर यस नो करना है आपको, तो वहाँ पर आप यस कर दीजिएगा। उसके बाद में यस जैसे ही आप किए तो उसके बाद में देख लीजिए नेक्स्ट पेज खुलेगा। अगर थोड़ा समय लगता है ये पेज खुलने में तो थोड़ा समय लग रहा है, देख लीजिए थोड़ा आ गया है, सर्चिंग थोड़ा ले रहा है, तो सर्चिंग होने दीजिए। देख लीजिए उसके बाद अगला पेज खुला, तो इसमें यही आधार नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, उसका नाम लिखना है। जिसका भी नामनी आप जोड़ना चाहते हैं तो आप दूसरा नामनी भी अगर जोड़ना चाहते हैं तो हमको कमेंट में अगर बताइएगा तो हम आपको दूसरा नामनी कैसे ऐड किया जाता है वो ऐड कर करके भी मैं दिखा दूँगा। तो मतलब एक नामनी आप ऐड कर चुके हैं, अगर उस नामनी को आप हटाना चाहते हैं तो अगला नामनी को अगर 100% दे दीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक हट जाता है। उसके बाद में अगर 50% देते हैं तो अगला को अगर 100 दिए हैं तो दोनों 50-50 का हकदार हो जाता है। ऐसे ही आप दूसरा भी नामनी चेंज जोड़ सकते हैं, नहीं तो पहला ही नामनी आपको रहने दीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिख रहा था उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद में घंटी के निशान का उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद में ऑल कर दीजिएगा। तो देखिए आप नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। मैं जो भी नॉलेजफुल वीडियो बनाऊंगा उसका